आप सभी बच्चों का हिंद डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं एनडीए के बैच के लिए, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एनडीए जो है वो कम उम्र में सरकारी नौकरी, वो भी ऑफिसर ग्रेड की नौकरी देने वाला एक जॉब है, और यह भारत सरकार की नौकरी है। तो मन में सबके होता है कि एनडीए अधिकारी बने। कैसे बनेंगे एनडीए अधिकारी, इसके लिए आज स्ट्रेटजी की बात मैं प्रशांत कुमार आप सभी लोगों के सामने करूंगा। मैं प्रशांत कुमार बेसिकली आप सभी लोगों को फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं एमएससी हूं, एमएड हूं, और मैं आप लोगों के सामने में फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास लूंगा। अब देखते हैं हम लोग एनडीए के क्लास में पढ़ना क्या क्या होता है, ठीक है। कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, किस सेक्शंस में क्वेश्चंस होते हैं, और उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम लोग उस पर काम करेंगे। तो एनडीए का जो सेक्शन होता है वो 1800 नंबर में बटा होता है। कितने नंबर में? 1800 नंबर है। तो 1800 नंबर को दो भाग में हम लोग बांट देते हैं, पहला पीटी, दूसरा एसएसबी। पीटी को 900 नंबर में दे देते हैं और एसएसबी भी 900 नंबर का होता है। पीटी में हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो पीटी में जो हमारा मेन सेक्शन है वो है मैथ, जो 300 मार्क्स के होते हैं, और इन 300 मार्क्स में हर प्रश्न जो है वो 2.5 मार्क्स का होता है, अर्थात 120 प्रश्न होते हैं 2.5 नंबर के, इसका मतलब कितना हो गया? 300 मार्क्स। और इसमें आपको 11th और 12th के गणित के सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक है, इसके लिए आप सभी बच्चों को 11th 12th का गणित या मैथ्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पास कर पाए। इसके बाद बात करते हैं जीएटी की। जीएटी जो है वो दो सेक्शंस में बट जाता है। पहला सेक्शन जो होता है वो इंग्लिश का होता है, और दूसरा सेक्शन जो होता है वो जीके प्लस जीएस का होता है। इंग्लिश, जीके और जीएस, इसमें 600 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें 200 नंबर सब में। सब में 200 नंबर है, 200 नंबर का इंग्लिश, 200 नंबर का जीके, 200 नंबर का जीएस, और 200 नंबर के इंग्लिश में अब क्या क्या पढ़ना है वो इंग्लिश वाले गुरुजी बताएंगे। 200 नंबर का जो जीके है इसमें भी जीके वाले गुरुजी बताएंगे। ये जीएस का सेक्शन जो है वो 200 नंबर का है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हुए मैं आपको बताऊंगा। अब ये 200 नंबर के लिए 50 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न 4 नंबर का होता है। इधर भी जब बात करेंगे जीके की, तो 50 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। जीएस में भी 50 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक जगह एनडीए जो है आप लोगों के साथ मजाक करता है। मजाक ये करता है, उसका कहना है कि जब तक आप मैथमेटिक्स को पास नहीं करोगे, हम जीएटी चेक नहीं करेंगे। जब तक आप गणित का पेपर पास नहीं करोगे, जीएटी का पेपर हम चेक भी नहीं करेंगे, भले ही आपको 600 में 500 नंबर आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसको मेन मतलब इस बात से है कि आप मैथमेटिक्स में पास हो या नहीं, और इसको पास होने के लिए हर बार का कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 25% जो है वह कट ऑफ होता है, अर्थात 75 मार्क्स, ये हर बार ऊपर नीचे होता है। इसलिए ये नहीं हो जाए कि 75 नंबर ही लेके आना है, कम से कम 75 नंबर लाना होता है, और हर बार ये ऊपर और नीचे चलता है, कभी ये 80 हो जाएगा, कभी ये 72 हो जाएगा, और डिपेंड करता है कि एग्जाम का जो लेवल था गणित का वो कैसा था। तो कम से कम आपको ये 75 नंबर लेके आने होंगे, तभी आपका जीएटी चेक होगा, नहीं तो जीएटी चेक भी नहीं होगा, ठीक है। अभी तक बात सेक्शनल कट ऑफ की नहीं थी, इसमें बस यही था कि गणित पास करो, उसके बाद ये चेक हो जाएगा, और जब चेक होगा तो दोनों को जोड़ करके हम लोग मेरिट बना देते थे। लेकिन ये लास्ट चांस शायद है, शायद इट इज द लास्ट चांस, जब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नहीं तो आगे सेक्शनल कट ऑफ आने वाला है। अब इंग्लिश में भी आपको पास करना होगा, जीके में भी पास करना होगा, और जीएस में भी पास करना होगा। ये बैंकिंग का स्ट्रक्चर था, पहले बैंकिंग में ये होता था कि
आपको हर सेक्शन में सेक्शनल कटअप पार करना होगा। एयरफोर्स में ये आज भी है, पहले भी था, कि आपको फिजिक्स में अलग पास करना होगा, केमिस्ट्री में अलग पास करना होगा, मैथ्स में अलग पास करना होगा। फिजिक्स है, मैथ्स है और इंग्लिश है, तीनों में अलग अलग पास करना होगा। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में, क्योंकि यूपीएससी जो है अपने पैटर्न में बहुत तेज़ी से बदलाव कर रही है, और बदलाव के क्रम में हो सकता है कि एक बदलाव ये भी हो, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ आएगा, तो फिर बच्चों के लिए और कष्ट बढ़ जाएगा। अभी तो कम से कम गणित पास कर जाते हैं और जीएटी का नंबर उनको सपोर्ट करके उनको पीटी क्लियर करवा देता है। अब इसमें इंग्लिश है, जीके है, जीएस है। जीएस की मैं बात करूंगा, जीएस को तीन भाग में बांट देते हैं। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन सेक्शन है। थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी का सेक्शन भी आता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट इन्वेंशंस हो रहे हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो कुछ लोग तो उसको करंट अफेयर्स में भी डाल देते हैं, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, लेकिन उसको बेसिकली साइंस एंड टेक का प्रश्न माना जाता है। और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कोई भी है, वो साइंस एंड टेक के प्रश्न ज़्यादा पूछता है। ज़्यादातर प्रश्न उसके कैसे होते हैं, साइंस टेक के प्रश्न होते हैं, जिसमें वो रडार टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, जीन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, नई नई जो चीज़ें हो रही हैं बदलाव, उन सब चीज़ों के बारे में पूछेगा। पूछेगा कोविड वायरस जो हम लोग एंटीडोज बनाए हैं, तो उसमें किस प्रकार का वायरस यूज हुआ, डेड वायरस या फिर लिविंग वायरस, इस प्रकार की चीज़ें पूछता है वो। अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन तीनों सेक्शन को कैसे कैसे बांटा गया है। तो फिजिक्स में 25 से 28 प्रश्न होते हैं, सबसे बड़ा सेक्शन है। फिजिक्स में 25 से 28 प्रश्न होते हैं, केमिस्ट्री में 10 से 12 प्रश्न, बायोलॉजी में भी 10 से 12 प्रश्न। यह एक दूसरे से चेंज करता रहता है केमिस्ट्री बायोलॉजी, कभी 10 प्रश्न बायो से है, कभी केमिस्ट्री से 10 प्रश्न। बाकी 25 से 28 का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हर प्रश्न यहाँ चार नंबर का है, हर प्रश्न चार नंबर का है, और बच्चों का ये जो जीएटी सेक्शन है वो अच्छा जाता है, क्योंकि लोग इसमें मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ें भी थोड़ी आसान है। हाँ, सब में नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग मैथ में भी है, दोनों में ही 1/4, 1/3 है, 0.83 मैथ्स में, 8 × 3 = 24, 1/3 ही लेता है, तो 1/3 है, 3 गलत पे 1 सही आपका चला जाएगा, आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है हर सेक्शन में। आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो नेगेटिव मार्किंग के कारण यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ बैठे हैं जो नेगेटिव मार्किंग के कारण बैठे हैं, तो पुरानी गलतियों को छोड़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ हर प्रश्न जो है वो चार चार नंबर का है, तो फिजिक्स आपको अकेले 100 नंबर से ऊपर दे सकता है, केमिस्ट्री आपको अकेले 40 से 50 नंबर दे सकता है, वैसे ही बायो भी आपको 40 से 50 नंबर दे सकता है। और यदि आप लोग ठीक से पढ़े तो इस 200 नंबर में आप 150 नंबर से ज़्यादा ला सकते हैं, ठीक से पढ़े तो ये 200 में 150 लाना बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों के सामने कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 400 से ऊपर नंबर जीएटी में लेके आए हैं, 400 से ऊपर। ठीक है, तो 400 से ऊपर बच्चे भी लेके आ रहे हैं जीएटी में। पूरे एनडीए का ये जो पीटी है इसका कट ऑफ जाता कितना है, ये भी फ्लक्चुएट करता है हर साल के हिसाब से, कभी 375 से लेके 400 के बीच में, और यदि आप ठीक से मेहनत करेंगे तो 400 नंबर अकेले जीएटी देके जाएगा आपको। इसमें बस पास होना होता है, तो ये आपके एनडीए का सिलेबस है। एनडीए के सिलेबस में हम सभी लोगों को यह ध्यान देना है कि एनडीए जो है वो टफ नहीं है, एक टेक्निकल चीज है। आप लोगों को 6 महीने तक लगातार मेहनत करना होगा,
यदि आप 6 महीने लगातार मेहनत करने में सक्षम हैं तो ये बहुत टफ नहीं है, क्योंकि आज भी इसमें और कंपटीशन की तुलना में कम बच्चे आते हैं। प्लस टू पास बच्चे इसको फॉर्म भरते हैं, बहुत को तो पता भी नहीं होता है। बहुत लोग तो बस नाम सुन के एनडीए भर देते हैं, देखते हैं कैसा होता है एनडीए। हाँ, बहुत लोग को गांव से बाहर आना होता है तो एनडीए भर देते हैं, जाते हैं कम से कम एक दिन पटना तो घूमेंगे, क्योंकि इसका सेंटर जो है वो स्टेट कैपिटल में होता है, हर स्टेट के कैपिटल में इसका सेंटर है। तो यदि सीरियसली आप सभी देखते हैं तो ये तो गारंटी है कि एनडीए निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सीरियसली अपने आप को देखना होगा, आपको अपने विचारों को बदलना होगा एनडीए के हिसाब से कि हम एनडीए के लायक हैं। इन चीज़ों पर आपको काम करना होगा, ठीक है, इन चीज़ों पर आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। बहुत सारे लोग तो मन से थक जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, इतना भारी है, ऑफिसर बनाएगा, मेरे से नहीं होगा। कोई ना कोई तो जाता है और आप ही के बीच से जाता है, ठीक है, आप ही के बीच से जाता है, ये हमारे समाज के बीच से जाता है एनडीए में। उसको एक अलग चीज़ चाहिए, वो चीज़ हम लोगों को देना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पीटी पास कराने की। उसके बाद राजेश सर आएंगे, वो आपको एसएसबी के बारे में बताएंगे, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पीटी तक है कि आप पीटी जो है उसको पास कर जाए। एसएसबी के लिए फिर अलग लोग हैं, वो लोग आपको एसएसबी के बारे में बताएंगे। तो ये जो सेक्शन है ये ध्यान रखना है हमेशा कि किससे कितना मार्क्स, और जिससे जितना नंबर का प्रश्न आता है उस हिसाब से लिहाज से समय भी उसको उतना देना होगा, ठीक है। चलते हम लोग आगे सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में हमको पढ़ना क्या होता है, एनडीए का जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली फिजिक्स की जब बात करेंगे हम लोग, फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और ऑप्टिक्स से। हर बार जो सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न होगा वो किससे आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से और ऑप्टिक्स से। ऑप्टिकल फेनोमेनाज प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी काल मिरर फार्मूला पूछा जाता है, कभी लेंस फार्मूला पूछा जाता है। तो हम सभी लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन चीज़ों को काम करना है, ठीक है। कुछ चीज़ों में देखने को मिलता है कि 10th लेवल के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन उसकी चाशनी अलग प्रकार से डिजाइन होती है। प्रश्न वो 10th लेवल का है लेकिन वो प्रश्न दिखता नहीं है 10th लेवल का, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट होते हैं 3, 4, 5। तो आपको वो सारे थ्योरी ध्यान रखने होंगे, जब तक आपको थ्योरी पता नहीं होगा आपसे वो बनेगा नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स को भी हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक हम लोग 11th वाला सेक्शन देखते हैं और एक हम लोग 12th वाला सेक्शन देखते हैं, ठीक है। 11th वाले सेक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज कि 11th में हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं, इसमें होता है मैथमेटिकल टूल। पहला जो चैप्टर है वह है मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल कहने का मतलब है फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको कुछ गणित के ज्ञान होने चाहिए, जैसे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, थोड़ा सा इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, थोड़ा सा वेक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स इनको सीधा यूज करती है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा हम लोग फिजिक्स में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोगों को वेक्टर आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन आने लगेगा, थोड़ा कभी इंटीग्रेशन आ जाएगा, कभी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो इन चीज़ों को हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। याद रखेंगे एनडीए में आपको ज़्यादातर प्रश्न जो है वो थ्योरेटिकल नेचर के होते हैं। थ्योरेटिकल नेचर कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों में आपको यह ध्यान देना होगा कि थ्योरी की चीज़ें आपको पूछी जाती हैं बार बार। यदि आपको 25 से 28 प्रश्न फिजिक्स के होते हैं तो उसमें से लगभग एक 20 प्रश्न जो है, 20 से 22 प्रश्न जो है वो थ्योरी के हैं। न्यूमेरिकल के नाम पे बस 2 प्रश्न होते हैं या 3 प्रश्न होते हैं,
जो बहुत कम होता है। इस बार चार प्रश्न थे, तो न्यूमेरिकल के नाम पे दो से तीन प्रश्न है, बाकी सारे प्रश्न जो है वो थ्योरी के हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी का काफी क्लियर रखना होगा। जब तक थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एनडीए के लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं महसूस करेंगे। और जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद टेस्ट की बात होंगी। हर मंथ आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, हर वीक आपका एक टेस्ट होगा, हर वीक में भी टेस्ट होगा, हर मंथ भी एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। वीक में टेस्ट होगा पूरे वीक जो आप पढ़े हैं उससे, और मंथ में टेस्ट होगा पूरा फुल लेंथ। हाँ, तो चलिए, पहला जो टॉपिक था वो था मैथमेटिकल टूल। दूसरा टॉपिक जो आता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा जो टॉपिक आता है उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल वर्ल्ड। जनरली 11th क्लास के बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बोले फिजिकल वर्ल्ड में क्या है। लेकिन आपके एनडीए में फिजिकल वर्ल्ड से तीन से चार प्रश्न होते हैं, 16 से ज्यादा नंबर का, 16 से 20 नंबर का प्रश्न होता है, चार से पांच प्रश्न होते हैं। और बच्चे तो इस चैप्टर को छूते ही नहीं, तो क्या करेंगे इस चैप्टर को छू के। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या होता है, तो जो अलग अलग वैज्ञानिक है पूरे दुनिया के उनके बारे में जानना है, अलग अलग इन्वेंशंस के बारे में जानना है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। और ये सब दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के 11th क्लास की किताब में, और उसको आपको देखना होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि पूछ कहाँ से दिया, जैसे टेस्ट पेपर में प्रश्न आते हैं कि लीगो क्या होता है, कुछ लोग सदमा में है लीगो क्या होता है, सुने ही नहीं आज तक। तो लीगो के बारे में बता दें, ये 2020 में खोजा गया था, लाइट एम्पलीफिकेशन एंड ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी सिस्टम इसको कहते हैं, इससे ग्रेविटेशनल वेव्स को खोजा गया था। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड में कहीं भी हलचल हुआ तो उन हलचल को पृथ्वी पर सेंस किया गया था, और उसमें भारत के भी एक वैज्ञानिक थे उस टीम में। तो हम लोग अपने आप को अब खुश कर लेते हैं इन सब चीज़ों को बोल के, हमारे देश के भी तो एक वैज्ञानिक है। ठीक है, तो हम लोगों को ये फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना है, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। अगला जो टॉपिक होगा इसी के अंतर्गत हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होगा, कि कंजर्वेशन लॉ किसको कहते हैं, जो फोर्सेस होते हैं नेचर में वो कौन कौन से हैं, अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से हैं, सोसाइटी से फिजिक्स कैसे रिलेट करता है, फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट करता है, नेचर में कौन कौन से फोर्सेस और उनका क्या क्या यूज़ है, फिजिक्स किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर होता है उसको कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर चैप्टर में ये प्रश्न पूछा जाता है, हर चैप्टर। इसी में कहीं कहीं डायमेंशन की जगह यूनिट एंड मेजरमेंट लिखा होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, और यूनिट का मतलब होता है मात्रक। मात्रक अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कुछ भी हम लोग डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के दौरान हम लोग को ये पता होना चाहिए कि उसका क्या है यूनिट, मात्रक क्या है, और उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे। क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था दुनिया तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि किसी भी चीज़ को मेज़र करते कैसे। मेज़र करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया ये सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने कहा कि यूनिट निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग SI यूनिट की बात करेंगे, CGS यूनिट की बात करेंगे, FPS यूनिट की बात करेंगे, MKS यूनिट की बात करेंगे, और इसकी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रश्न होंगे सारे थ्योरेटिकल प्रश्न होंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसको कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है कि अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का वर्क कैसे करते हैं, और उन वर्किंग में जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कैसे सपोर्ट करता है, कोई भी जो लॉ बनता है नेचर का वो कैसे डिफाइन होता है, किसी भी लॉ को मान्यता कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यूनिट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत पढ़नी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो काइनेमेटिक्स का जो सेक्शन है, इसमें कहते हैं मोशन इन 1D, वन डायमेंशन।
एक विमीय गति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या फिर इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी चीज जब सीधी रेखा में चलती है तो कैसे गति करती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत पढ़ना है। अब स्ट्रेट लाइन की बात हो जाएगी तो मोशन इन प्लेन की बात हम लोग को करनी होगी। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, अर्थात ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। टू डायमेंशनल में हम लोग को क्या क्या ध्यान देना होगा, ये प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी किसको कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों को मोशन इन प्लेन के अंतर्गत पढ़ना है। जब आगे हम लोग आएंगे तो टू डायमेंशनल की बात हो गई, उसके बाद हम लोग का बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों को ये पता है कि कोई भी जो लॉ है वो जो फॉर्म हुआ है उसमें गणित का और बहुत ज़्यादा उपयोग किसका हुआ है, न्यूटन साहब का। न्यूटन साहब ने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। लॉज ऑफ मोशन आप लोग क्लास 7 से पढ़ रहे हैं, आज भी सबको तीनों नियम याद नहीं है, क्लास 7 से आप सभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों से आप यूज टू नहीं हुए हैं, उसको डे टू डे लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। जिस दिन आप उसको डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करने लगेंगे वो याद हो जाएगा, आप बस उसको रट रहे हैं और रटी हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक रहेंगी नहीं। तो कोशिश यही होती है कि आप रटे नहीं चीज़ों को, आप चीज़ों को समझें और समझ करके उसको फील करें हर जगह, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगे। नहीं तो रटने के लिए तो बहुत बचा हुआ है, रटते रहेंगे हम लोग। उसके बाद लॉज इन मोशन में हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक होता है वो होता है वर्क, इनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, इनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क को एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस जो किसको इसमें यूज करता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एनर्जी में, ये सब प्रश्न होते हैं एग्जाम में। एग्जाम में बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कूली जो है एक सामान को लेकर के अपने सर पे जा रहा है, बताइए कि वो कितना काम किया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, 2 किलो के ऐसे ऑब्जेक्ट को हाथ में ऐसे रख करके और 2 घंटे आप रखते हैं तो आपके द्वारा काम किया गया है कि नहीं किया गया है, तो ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि कार्य कहते किसको है, वर्क होता क्या है, एनर्जी होता क्या है और पावर होता क्या है। और जब तीनों आप समझ जाएंगे तो ये बहुत आसान टॉपिक है, वर्क, एनर्जी, पावर। यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर तो खोजते रहते हैं हम लोग। क्या फिजिक्स के साथ ये खासियत है, यदि आपको समझ में आएगा तो मजा आएगा, समझ में नहीं आएगा तो सजा आएगा। कोशिश यही होती है मेरी कि फिजिक्स को इंटरटेनिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाए कि आपको आसानी लगे समझने में। तो वर्क, एनर्जी, पावर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, जो कि बहुत कम प्रश्न होते हैं इससे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और इसी को कहते हैं रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन, यहां से प्रश्न बहुत रेयर आते हैं एनडीए के एग्जाम में। हाँ, लेकिन एयरफोर्स में काफी प्रश्न है वहां से, एनडीए में यहां प्रश्न बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जब बात करते हैं तो उसके बाद हम लोगों के पास अगला जो टॉपिक होता है वो होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ यदि ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही है, जिसके पास मास है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और अपने तरफ जब अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को तो वो जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी पर कैसे वो फोर्स लगता है, चंद्रमा पर कैसे वो फोर्स लगता है, हर प्लैनेट के हिसाब से अलग अलग फोर्सेस की हम लोग बात करते हैं। हम लोग पृथ्वी से पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं, हम लोग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की बात करते हैं, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट की बात करते हैं,
कोई भी चीज़ हम यहाँ से जब भेजते हैं अंतरिक्ष में तो कैसे वो जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को इसके अंतर्गत चर्चा करनी है। किसी भी चीज़ को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर खींचता है, कैसे खींचता है, क्यों खींचता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे हम लोग। यदि पृथ्वी पर हम घूम रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो चलने के दौरान क्या होता है कि कहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा फोर्स एहसास होगा, कहाँ पर हमारा वेट सबसे अधिक होगा, कहाँ पर वेट हमारा सबसे कम होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति तो बताइए। हम लोग अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग 11th से सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, फिर 11th का जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग 12th की बात करेंगे। NDA के सेक्शंस को हमने दो भाग में बांट दिया था, ये 11th और 12th में, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्रेविटेशन हो गया। ग्रेविटेशन के बाद जो टॉपिक अगला आता है उसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की जब बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण में कई प्रकार के गुण हैं। पहला है चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप को बाइंड करके रखे हुआ है, जोड़ करके रखे हुआ है, तो किसके कारण से, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से। और यदि किसी भी कारण से हम इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर प्रहार करते हैं, मीन्स उसको कम करने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने स्टेट को क्या करेगा, बदल देगा। तो इसी को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो वहीं हम लोग पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट के अंतर्गत कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, दोनों कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सॉलिड को लिक्विड बनाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, लिक्विड को गैस बनाएंगे तो क्या कहते हैं, सॉलिड से गैस बनाएंगे तो क्या कहते हैं, गैस को सॉलिड बनाएंगे तो क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़नी है। ये एक प्रॉपर्टी की बात किए हम लोग चेंज इन स्टेट का, इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ने हैं। पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा होगा इलास्टिसिटी, उसके बाद हम लोग आते हैं तो कहते हैं सरफेस टेंशन, उसके बाद आता है कैपिलरिटी, उसके बाद विस्कोसिटी। तो मुख्य रूप से ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। चेंज इन स्टेट का हो गया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता, हिंदी में कहते हैं उसको। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम खींचते हैं तो फिर से अपने प्रॉपर्टी को रिगेन कर लेता है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम खींच दिए, फिर से अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिया, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी में जब इलास्टिसिटी में हम लोग आएंगे तो थोड़ा सा इलास्टिसिटी में सरफेस टेंशन, हाँ इलास्टिसिटी में ही हम लोग जब आते हैं तो हम लोग यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद जब सरफेस टेंशन में आएंगे तो सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग कहते हैं कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाई वर्च्यू ऑफ विच इट हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न आते हैं कि कोई भी जो लिक्विड ड्रॉपलेट होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट क्या करेगा, एक दूसरे को खींच करके वो अपने गोलाकार प्रवृत्ति को प्राप्त करता है। गोलाकार प्रवृत्ति प्राप्त करने का कारण क्या है, सरफेस टेंशन। कैपिलरिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, किसी भी लिक्विड को यदि हम रखते हैं किसी शार्प ट्यूब में, वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। विस्कोसिटी होता है कि यह एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है किसके किसके बीच में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है किसमें, अभी मोशन के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ लॉज ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन भी है, सर्कुलर मोशन भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम लोग विस्कोसिटी में। तो विस्कोसिटी में हम लोग लिक्विड मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा एक जगह से दूसरे जगह तो वो क्या क्या करता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक होता है उसको कहता है हीट। हीट में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन, सेल्सियस क्या होता है, फॉरेनहाइट क्या होता है, केल्विन क्या होता है, इन सबको एक दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फॉरेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे,
कैलोरीमेट्री कहते किसको है, उसके बाद इस यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट किसको कहते हैं, स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं। स्पेसिफिक हीट के लिए फार्मूला पढ़ेंगे, इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे हीट। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, थोड़ा सा हीट इंजन, बस यही। जब हीट में हम लोग चल रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा हीट एंड रेडिएशन की भी बात करेंगे। प्लैंक से रेडिएशन होता क्या है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, इन सब चीज़ों से प्रश्न आते हैं आपके एनडीए के परीक्षा में, ठीक है। तो ये इलेवेंथ का सेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इलेवेंथ में इतनी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जब बात करते हैं हम लोग ट्वेल्थ वाले सेक्शन की, तो ट्वेल्थ वाले सेक्शन में एक मोटा मोटी हम जब बात करते हैं तो जो पहला टॉपिक होता है ट्वेल्थ का वो होता है लाइट, जिसको आप लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके बाद होता है साउंड, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक करंट दोनों आ गया। इसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, इसके बाद बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की। जो एयरफोर्स वाले बच्चे होते हैं उन लोगों को यहाँ एक टॉपिक और पढ़ना पड़ता है जिसको कहते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो पहला जो सेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना होता है, एंड गेट, और गेट, नेट, नॉट गेट। उसके बाद इसमें एक्सरे के बारे में जानना होता है, लेटेस्ट इन्वेंशंस के बारे में जानना होता है। ये सारा मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन है, इसी में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ जाएंगे। वो एनडीए में नहीं पूछता है, एयरफोर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम आता है। तो ये आपका ट्वेल्थ का सेक्शन, मतलब आपका जो पूरा सिलेबस होता है फिजिक्स का वो इतने भागों में बटा हुआ है। देखने में भले ही ये एक बोर्ड पे आ गया, लेकिन इसके लिए आपके पास इलेवेंथ ट्वेल्थ में चार किताब होते हैं और इसको तोड़ा जा सकता है। दोनों में ही आठ आठ चैप्टर होते हैं, आठ आठ चैप्टर दोनों में होते हैं, आठ चैप्टर इलेवेंथ में होते हैं, आठ चैप्टर ट्वेल्थ में होते हैं। 16 चैप्टर्स का अलेवेंथ और ट्वेल्थ होता है टोटल, हाँ दोनों मिला के। और वही 16 चैप्टर जो है आपको परेशान करता है, इसके लिए चार किताब आपको पढ़ने होते हैं। पहला किताब में चार चैप्टर, दूसरे में फिर चार चैप्टर, फिर तीसरे में चार चैप्टर, फिर चौथे में चार चैप्टर, ठीक है। तो आज हम लोग ये फिजिक्स की बात कर रहे थे, फिजिक्स का काम खत्म। तो इतने चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, तो इतने चीज़ों को पढ़ने में समय लगेगा, लोगों का मन उब जाता है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो मन को उबने नहीं देना है, मन को बांध करके रखना है, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, 6 महीना 7 महीना का समय है, जिसमें 2 महीना तो आपका छुट्टी ही है लगभग, दुर्गा पूजा की छुट्टी है, दीपावली, छठ की छुट्टी है, कितना उसमें पढ़िएगा आप, तो हमको भी पता है, आपको भी पता है ना। तो ये ठीक है, ये सारा सेक्शन हो गया। तो ये वीडियो आज यहीं पूरी होती है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला जो चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल टूल से। मैथमेटिकल टूल आप सभी लोगों को पता ही है, वेक्टर के बारे में आप सब लोगों को तो पता ही है। तो ओवरव्यू हम लोग करेंगे, आप सभी लोग चूंकि पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग करेंगे वेक्टर के बारे में, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं। आप सभी लोगों को फिर से आज मैं विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें।